धन्यवाद 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 करते मेरे पिता मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के सुबह में हम आपकी महिमा आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे खुदावन। आज के सुंदर सुबह को दिखाने के लिए, आज का यह नया दिन प्रभु जी हमारे जीवन में देने के लिए मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज आपने हम पर अपना अनुग्रह किया, अपने आशीष बरसाया मेरे खुदावन मेरे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, आज के इस दिन में प्रभु जी हम हर एक भाई बहनों को, हर एक लोगों को प्रभु जी आज आपके चरणों में, आपके पवित्र उपस्थिति में देते हैं, आपके हाथों में देते हैं मेरे खुदावन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आज आप इस सुबह में प्रभु के चरणों में आएंगे, प्रभु के पास आएंगे एक नई उम्मीद के साथ, तो प्रभु आज आपकी हर एक उम्मीद को, प्रभु आज आपके जीवन में हर एक इच्छाओं को पूरे करेगा। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी कार्य करने की आप सोच रहे हैं, प्रभु आपका हर एक काम सफल करेगा। परमेश्वर आपके ऊपर अपना अनुग्रह करेगा, आपके घरों पर आशीष बरसाएगा। आज आपके जीवन में एक नई आशीष, एक नई किरण, एक नई प्रकाश आएंगे आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवारों में, आपके घर के हर एक लोगों के जीवन में एक नई आस दिखेगी, एक नई किरण दिखेगी। आज आप लोग परमेश्वर की महिमा करें, हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करें, प्रभु की प्रशंसा करें। दाऊद जो कुछ भी बोलता था खुलकर प्रभु के सामने अपने निवेदन को, अपनी प्रार्थना को रखता था, उसी प्रकार आज अपने निवेदन, अपनी प्रार्थना को प्रभु के समक्ष, प्रभु के चरणों में रखें। प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना को सुनेगा और उनका उत्तर देगा। प्रभु धन्यवाद के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। हम लोग मिलकर उनके धन्यवाद करें, उनका स्तुति करें, उनकी महिमा करें, क्योंकि वो आदर और सम्मान के योग्य है। वो परमेश्वर है जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाया। हम सब उसकी महिमा करें, हम सब उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम की जय जयकार करें, उनके नाम की तारीफ करें। वो भला परमेश्वर है, वो भला गढ़िया है, हमारी रक्षा करता है, हमारी सहायता करता है, हमें हरी हरी चराइयों में लेके जाता है, हमारी हर एक ज़रूरतों को वो पूरी करता है। हमारे जीवन में जो भी घटी कमियाँ होती है प्रभु उन चीज़ों को पूरी करता है। यदि आज आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको आज हर एक चीज़ों से आज़ाद करेगा, आपको बंधनों से आज़ाद करेगा, आपको शुद्ध मन देगा। यदि आज आपके जीवन में बुरे बुरे विचार आते हैं, आपके मनों में गंदी गंदी विचारें आती है, तो प्रभु आपको उन सारे चीज़ों से आज़ाद करेगा, आपको छुटकारा देगा। आज आप लोग प्रभु की महिमा करें, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, उन्होंने आपको जीवित रखा है। प्रभु जी आज हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर हमें संभाला, आपने हमें आशीष दिया। प्रभु जी आपने हमें हर एक दुर्घटनाओं से, समस्याओं से प्रभु जी आपने हमें बचा के रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के लिए पिता। और हर एक लोगों को प्रभु जी आज आशीष दे। प्रभु जी आज जितने लोग प्रभु जी इस प्रार्थना को, इस वीडियो को देख रहे मेरे खुदावन मेरे पिता, तो उनके परिवारों में प्रभु जी हर एक लोगों को ब्लेस कर, आशीषित कर। प्रभु जी आज वो जितने भी काम करें मेरे खुदावन पिता, उनके हर एक काम सफल होने पाए। हे मेरे प्रभु जी आज पिता परमेश्वर, जो लोग प्रभु जी आज जो लोग अपने घरों से बाहर जाने वाले हैं पिता, तो उनके फैमिली में हर एक लोगों को सुरक्षित रख, उनके कार्यों को सफल बना पिता। आज जिनके मनों में प्रभु जी गंदे गंदे विचार आते प्रभु जी, अपने मनों के द्वारा पाप करते प्रभु जी, रात में अपने आँखों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा प्रभु जी, अपने विचारों के द्वारा जितने भी अपराध किए मेरे खुदावन सर, खुदावन मेरे प्रभु, उन सारे लोगों को उनके अपराधों के कारण प्रभु जी उन्हें दंड ना दे प्रभु जी, उनको क्षमा कर दे। हे मेरे पिता परमेश्वर, तूने आशीष और अनुग्रह देता कि प्रभु जी वो उन पापों को दोबारा ना करें। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते मेरे खुदावन मेरे यीशु राजा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप प्यारे परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप पापों को क्षमा करने वाले प्रभु जी, हृदयों से गलों से लगाने वाले परमेश्वर हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग प्रभु जी घर से बाहर जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, तो उन लोगों पर दया कर प्रभु जी, वे किसी भी चीज़ से न डरे प्रभु जी, कोई भी चीज़ आज उनकी हानि न करने पाए, हर एक दुर्घटनाओं से वो बचे रहे मेरे पिता प्रभु जी। आज प्रभु जी वो हर एक प्रकार के गंदे विचारों से, गंदे कामों से, पापों से प्रभु जी आज बचे रहे। और प्रभु जो भी कार्य वो करे प्रभु जी आज के सुबह में, वो आपकी महिमा के लिए करें प्रभु जी, आपकी महिमा हो उन कार्यों के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं मेरे प्रभु जी, तो उन सारे भाई बहनों पर, माता पिताओं पर तू दया कर आज प्रभु जी। आज प्रभु जी जितने लोगों के घरों में प्रभु जी आज अन्न नहीं है प्रभु जी, तो उन घरों में प्रभु जी भोजन दे मेरे पिता परमेश्वर। जिनके पास रहने के लिए प्रभु जी, जिनके पास रहने के लिए प्रभु जी घर नहीं पड़ता, तो उनको घर से आशीषित कर। हे मेरे प्रभु जी आज जिन लोगों के पास प्रभु जी इस ठंड के समय में मेरे पिता पहनने के लिए कपड़े नहीं मेरे पिता,
तो उन लोगों को कपड़े से आशीषित कर, हे मेरे पिता परमेश्वर, हम उन सारे भाई बहनों को माता पिताओं को आपके हाथों में देते हैं। हे मेरे परम पावन पिता परमेश्वर, हे इज़राइल के परम पावन प्रभु जी, हे इब्राहिम इसहाक याकूब के प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते पिता, जिस प्रकार आप इब्राहिम के साथ थे, दाऊद के साथ थे, एलिया एलिशा के साथ थे मेरे खुदावन मेरे पिता, उसी प्रकार प्रभु जी आज हर एक लोगों के साथ रहना मेरे प्रभु जी, और हर एक लोगों को आशीषित करना। हे मेरे प्रभु यीशु, हम आपसे विनती करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, तू दयालु है, तू देने वाला परमेश्वर है, तू हर एक लोगों को उनकी हर इच्छाओं को आज पूरी कर, उनके घरों में नई नई आशीषों को बरसा। हे मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में, उनके परिवार में हर एक लोगों को आशीषित कर। हे मेरे प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं और उन सारे लोगों को पिता आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता। तो उन लोगों के भविष्य को उज्जवल बना प्रभु जी, वो जो कार्य करे पिता प्रभु जी, उनका हर एक कार्य आज सफल होने पाए। जो भी योजनाएं आज वो अपने बनाकर अपने घरों से बाहर निकले पिता, तो उन योजनाओं को सफल कर। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं। मेरे सेनाओं के यहोवा जीवित जलाली सामर्थी प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। धन्यवाद यीशु, हम आपसे विनती करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आज के शिविर में हर एक लोगों की अगुवाई करना, हर एक लोगों को सुरक्षित रखना, जो भी कार्य करे पवित्र आत्मा जी उनसे बातें करना, उनको हर एक पापों से बचा कर रखना, जो भी कार्य करे पवित्र आत्मा जी प्रभु जी उनको सही मार्ग दिखाना, सही रास्ता दिखाना, ताकि वे सच्चाई की राह पर चले, हर एक पापों से बचे रहे, और पवित्र आत्मा जी उनकी ढाल बनकर उनको अपने पंखों की आहड़ में छुपा लेना पवित्र आत्मा जी, ताकि वो हर एक चीज़ों से बचे रहे। हे पवित्र आत्मा जी, हम आपसे विनती करते हैं। और जितने लोग प्रभु जी आज बीमार है मेरे प्रभु यीशु, तो उन लोगों को सु और उन्हें चंगा कर आज के सुबह प्रभु जी। जो लोग उम्मीद लगाकर, आस लगाकर प्रभु जी आपके सम्मुख आए प्रभु जी, आपसे विनती कर रहे हैं मेरे खुदावन मेरे पिता, तो उन लोगों पर दया कर प्रभु जी, तो उन्हें हर एक रोगों से, हर एक बीमारियों से आज़ाद कर प्रभु जी। प्रभु जी आज जो लोग प्रभु जी जॉब की तलाश में मेरे पिता, तो उन लोगों को प्रभु जी आज जॉब दे। हे मेरे प्रभु जी, आज जो लोग प्रभु जी अपने कामों को शुरू करने जा रहे हैं प्रभु जी, कोई भी कार्य शुरू करने जा रहे हैं मेरे पिता, कोई भी बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं मेरे पिता, तो उन लोगों पर आशीष दे प्रभु जी। आज के दिन ये जो कार्य स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रभु जी, ये इनके जीवन में प्रभु जी फल लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर मेरे यीशु, हम आपसे विनती करते हैं मेरे खुदावन मेरे पिता। आज हर एक बच्चे को प्रभु जी आशीषित कर, हर एक बच्चे को प्रभु जी, उनके फैमिली में रहने वाले हर एक छोटे से छोटे बच्चे को प्रभु जी आशीषित कर प्रभु जी, उन्हें बचा कर रख, उन्हें सुरक्षित रख मेरे पिता, और उनके भविष्य को उज्जवल बना प्रभु जी, उन्हें बुद्धि और विवेक दे, उन्हें समझ दे मेरे खुदावन मेरे पिता। हम आपसे विनती करते मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके हाथों में, आपके लहू में देते हैं। हे मेरे यीशु, हम आपसे विनती करते हैं आज के पावन सुबह में मेरे खुदावन प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु जी आपने इस सुबह को दिखाया, हम लेट कर सो गए थे, लेकिन प्रभु जी आपने हमें बचा के सुरक्षित और जीवित रखा है। हे मेरे पिता परमेश्वर, उसी तरह आगे भी अगुवाई कर, और आज के इस दिन में हमें सुरक्षित और जीवित रख, भला चंगा रख, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचा कर रख। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं और प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।